तो भाई मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरी जो आवाज़ है इस वीडियो में कितनी डिफरेंट लग रही है। अब उसका रीज़न ये है कि मुझे जुकाम हो चुका है, और भाई जब तक ठीक नहीं होता होप करता हूँ आप लोग मैनेज कर लोगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE से रिलेटेड हर बार की तरह काफ़ी धमाकेदार एंड फ्रेश अपडेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जुकाम हो गया तो भाई कोई बात नहीं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की रेटिंग्स के बारे में भी करेंगे बात, जहाँ पर मेन इवेंट के अंदर हमें दिखाई देती है बहुत ही तगड़े कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग। पार्टी ने भी रिसेंटली ये बात रिवील कर दी कि उन्हें एक बार फिर से बनना है WWE के अंदर मेन चैंपियन। ड्रू मैकइंटायर का कोविड के कारण एक बहुत ही बड़ा मैच कैंसिल हो गया था, एंड भाई जो ओरिजिनल प्लान्स थे वो रिवील हो चुके हैं। क्या इस साल रेसलमेनिया के अंदर अंडरटेकर आएंगे या फिर नहीं, भाई ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसके बारे में भी एक अपडेट आ चुके निकलकर सामने। एंड फाइनल अपडेट के अंदर हम लोग जॉन सिना एंड निकी बेला के बारे में करेंगे बात, और रिसेंटली निकी बेला ने जॉन सिना को किया है ब्लेम, जिसके कारण उनका और रोंडा राउजी का फ्यूड WWE के अंदर बेकार हो गया था। अब भाई पूरी कहानी की अगर आपको जानना है आपको वीडियो को बस एंड तक देखना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो को सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि इस हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में जुड़ी है, जो कि मेरे हिसाब से एक बढ़िया स्मैकडाउन का एपिसोड था। शो के मेन इवेंट के अंदर हमें दिखाई देती एक बहुत ही बड़ी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग, और एज भी ये बात रिवील करते हैं कि अगले हफ्ते उनके और जे ऊसो के मैच के अंदर एक बहुत ही बड़ी यूनिवर्सल टाइटल मैच की इम्प्लीकेशन ऑन द लाइन होगी। और मेरे हिसाब से अगले हफ्ते का जो स्मैकडाउन का एपिसोड होगा वहाँ पर जो रेटिंग्स हैं वो भाई इस हफ्ते के मुकाबले ज़्यादा आने वाली हैं, क्योंकि इस हफ्ते जो व्यूवरशिप आई है वो आई है निकलकर सामने 2.01 मिलियन व्यूवर्स। और पिछले हफ्ते की अगर मैं बात करूं तो पिछले हफ्ते व्यूवरशिप ज़्यादा आई थी, वो रेटिंग्स आई थी 2.166 मिलियन व्यूवर्स, और भाई ये एवरेज रेटिंग थी पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड की। लेकिन इस हफ्ते भी थोड़ा सा डाउनफॉल जरूर से है, लेकिन फिर भी जो स्मैकडाउन है वो 2 मिलियन से ऊपर व्यूवरशिप ला पाया अपने शोज के अंदर, जो कि जरूर से WWE के लिए एक अच्छी खबर है। बाकी देखते हैं अगले हफ्ते एज एंड जूसो को जो मैच है में भी मेन इवेंट होने वाला है, तो वहां पर रेटिंग्स बढ़ती हैं या फिर नहीं। मेरे हिसाब से अगले हफ्ते जो रेटिंग्स है वो 2.1 मिलियन से ऊपर जाने वाली है। नेक्स्ट अपडेट के बारे में लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि इस बार जुड़ी है द करिश्मैटिक एनिग्मा जेफ हार्डी के बारे में। और जेफ हार्डी ने भी ये बात रिवील की है कि भाई उन्हें एक बार फिर से WWE के अंदर वर्ल्ड चैंपियन बनना है। यहां पर जो जेफ हार्डी है रिसेंटली अपना ESPN के ऊपर इंटरव्यू देते हैं, और वो कहते हैं कि पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं इस साल का रॉयल रंबल जीतूंगा, और लगता नहीं कि अब ऐसे जो चीज है कभी भी होने वाली है और मैं एक बार फिर से रॉयल रंबल WWE के अंदर जीतने वाला हूं। उसके बाद वो ये कह रहे थे कि एक जो चीज मुझे फिर से WWE के अंदर जरूर करनी है, मुझे मेन चैंपियन बनना, चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो चाहे वो यूनिवर्सल टाइटल हो। वो कहते हैं आखिरी बार जब मैं चैंपियन बना था शायद सभी को याद होगा मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए चैंपियन बना था, और CM Punk तुरंत वहां से आता है और वो मुझ पे मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस कैश इन कर देता है। तो भाई वो छोटी सी टाइटल रेन को मैं ज्यादा याद रखना नहीं चाहूंगा, और मैं एक ऐसी टाइटल रेन एक बार फिर से WWE के अंदर क्रिएट करना चाहता हूं जिसको मैं याद रख सकूं, और एक बार फिर से रिटायरमेंट से पहले मुझे मेन चैंपियन बनना है। और ये कुछ बातें जो कि जेफ हार्डी रिवील करते हैं उनके जो प्लान से रिटायरमेंट से पहले, कि भाई एक बार फिर से उन्हें मेन चैंपियन बनना ही बनना है। और मेरे हिसाब से जो पुराने WWE के फैंस होंगे वो जरूर जानते हैं कि जेफ हार्डी कितने तगड़े सुपरस्टार थे, वो अलग बात है कि WWE अभी फिलहाल उनको ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। लेकिन भाई होप ये करूंगा कि आने वाले टाइम में जेफ हार्डी का थोड़ा ढंग से हो यूज। और क्या आप चाहोगे कि जेफ हार्डी हमें यूनिवर्सल टाइटल या फिर WWE टाइटल फ्यूड में, आप लोग नीचे मुझे कॉमेंट करके अपना जरूर ओपिनियन बताना नेक्स्ट अपडेट के बारे में। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि इस बार जुड़ी है फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर के बारे में। और भाई कोविड के कारण काफी सारे प्लान्स जरूर से कैंसिल हुए हैं, लेकिन भाई रिसेंटली एक और बहुत ही बड़ा मैच आया निकलकर सामने, जो कि कोविड के कारण ड्रू मैकइंटायर का कैंसिल हो गया था। और भाई ये जो मैच है वो होने वाला था NXT की UK के शो के ऊपर, और हमें टाइसन फ्यूरी फेस करते हुए नजर आते फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर का। और जो बात है भाई रिसेंटली टाइसन फ्यूरी एक अपने इंटरव्यू के द्वारा रिवील करते हैं, टाइसन फ्यूरी कहते हैं कि कोविड ने तो भाई मेरी एकदम बैंड बजा के रख दी, क्योंकि कोविड के कारण मेरे काफी सारे जो प्लान्स थे वो WWE के अंदर कैंसिल हो गए। मैंने समर स्लैम पे पर व्यू के अंदर भी आना था, वहां पर मैं आ नहीं पाया कोविड के कारण। मैंने रेसलमेनिया के अंदर भी आना था, मैं वहां पर क्यों नहीं आ पाया कोविड के कारण। मैंने ड्रू मैकइंटायर का भी फेस करना था UK के पे पर व्यू के अंदर, जहां पर मैं और ड्रू मैकइंटायर इस मैच को मेन इवेंट करते हुए नजर आते। और जो NXT UK की रेटिंग्स है वो भी काफी
ज्यादा हाई जाती, अब वो मैच भी क्यों नहीं हो पाया थैंक्स टू कोविड। और ये कुछ बातें जो कि यहाँ पर टायसन फ्यूरी रिवील करते हैं कि भाई कोविड ने तो एक तरह की टायसन फ्यूरी की बैंड सी बजा के रख दी है। सारे जो मैचेस थे, इनफैक्ट एक ड्रीम मैच जो कि होता है टायसन फ्यूरी वर्सेस ड्रू मैकइंटायर के बीच, वो भी कोविड 19 के कारण कैंसिल हो गया। और बीच में इस चीज़ की काफ़ी हाई बनी थी कि भाई टायसन फ्यूरी एंड जो ड्रू मैकइंटायर वो हमें रेसल करते हुए नजर आएंगे, लेकिन भाई कोविड आया और जो सारी चीज़ें एकदम शांत बैठ गई और इसके कारण जो एक बहुत ही बड़ा मैच जरूर होता टायसन फ्यूरी एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच वो कैंसिल हो गया। अब बाकी देखते हैं टायसन फ्यूरी कब एक बार फिर से WWE के अंदर वापस आते हैं। क्या आप देखना चाहोगे टायसन फ्यूरी वर्सेस ड्रू मैकइंटायर इस साल यानी कि 2021 में, या फिर नहीं नीचे कमेंट के अंदर बताना नेक्स्ट अपडेट के बारे में। लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कि इस बार रेसलमेनिया 37 के बारे में जुड़ी है और क्या इस साल रेसलमेनिया के अंदर एक बार फिर द फिनोम द डेड मैन हमें रिटर्न करते हुए नजर आएंगे या फिर नहीं। और भाई ये जो क्वेश्चन है मुझसे एक बार नहीं बल्कि हजारों बार पूछा गया, क्योंकि जब भी रेसलमेनिया पास आता है एक जो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है फैंस के मन में वो ये, क्या इस साल अंडरटेकर आएंगे। वैसे हर साल अंडरटेकर हमें जरूर आते हुए नजर आते, वो मैच के अंदर भी कंपीट करते हैं, पिछले साल भी उन्होंने एजी स्टार्स के खिलाफ एक बोनयार्ड मैच में रेसल किया था। लेकिन सबसे बड़ा जो एक्स फैक्टर है वो तब बनता है जब सर्वाइवर सीरीज में आके अंडरटेकर अपनी WWE से ऑफिशियल रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। स्टिल काफी सारे फैंस इस चीज पे बिलीव कर नहीं रहे थे कि नहीं भाई अंडरटेकर की जो ये पूरी रिटायरमेंट वाली चीज है वो पूरी स्टोरी लाइन का पार्ट है और अंडरटेकर रेसलमेनिया 37 में जरूर आएंगे। लेकिन भाई आपको बता दूं इसको लेकर डेव मेल्जर की तरफ से रिसेंटली फाइनल अपडेट आते निकल कर सामने और डेव मेल्जर ये बात रिवील करते हैं कि इस साल WWE अंडरटेकर को नहीं लाने वाली और रेसलमेनिया के अंदर इस साल अंडरटेकर का ना कोई सेगमेंट होने वाला है और ना ही उनका कोई मैच होने वाला है। वो कहते हैं जो सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू के अंदर हमने अंडरटेकर की रिटायरमेंट देखी वो एक्चुअल में एक फाइनल रिटायरमेंट थी अंडरटेकर की तरफ से, रेसलमेनिया के अंदर अंडरटेकर नहीं आएंगे। मे बी हो सकता है साल दो साल बाद हमें अंडरटेकर कोई प्रोमो सेगमेंट वगैरह रॉय या फिर स्मैकडाउन के शो के अंदर कट करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अंडरटेकर का एक और मैच WWE के अंदर अब पूरे तरीके से पॉसिबल नहीं है और इस साल रेसलमेनिया का पार्ट अंडरटेकर जैसा बड़ा नाम नहीं होने वाला है। डेव मेल्जर ये भी कहते हैं कि ब्रॉक लेसनर एंड गोल्डबर्ग का भी फिलहाल भी जो स्टेटस है वो पूरे तरीके से क्लियर है नहीं, वो आएंगे या फिर नहीं। जॉन सीना का भी फिलहाल जो स्टेटस है वो भी क्लियर नहीं है, लेकिन अंडरटेकर का जो सिनेरियो है वो 1000% यही है कि वो इस साल रेसलमेनिया में नहीं आने वाले। बाकी देखते हैं भाई WWE के पास इस साल बड़े सुपरस्टार्स की कमी जरूर से है, क्या वो अंडरटेकर को बुलाती है या फिर नहीं, आई थिंक ये चीज जरूर से देखने वाली होगी। आपके हिसाब से अंडरटेकर का इस साल मैच होगा या फिर नहीं, बाकी आपके हिसाब से क्या इस साल WWE को अंडरटेकर को रेसलमेनिया के अंदर कंपीट करवाना चाहिए या फिर नहीं, नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता सकते हो। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में, लेकिन अब हम लोग बात कर लेते हैं जो कि इस बार सीनेशन लीडर 16-टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना एंड निकी बेला के बारे में जुड़ी है। रिसेंटली निकी बेला ने ब्लेम किया जॉन सीना को उनके और रोंडा राउजी के फ्यूड के खराब होने के कारण। हम सभी जानते कि जो वुमेन्स का पेपर व्यू था वहां पर हमें रोंडा राउजी एंड निकी बेला आमने सामने आते हुए नजर आती है और रोंडा राउजी वहां पर हमें निकी बेला को भी हराते हुए नजर आती है। और भाई रिसेंटली जो निकी बेला है वो हमें बेला ट्विन के ब्रॉडकास्ट पे आती हुई नजर आती है जो कि उनका भाई खुद का खरीदा हुआ ब्रॉडकास्ट भी आप कह सकते हो। और निकी बेला यहाँ पर ये बात रिवील करती है कि जब उनका आखिरी रन था भी फिलहाल WWE में उन्होंने उसमें पूरा अपना एफर्ट लगाया, उन्होंने अपनी पूरी डिजायर लगाया, पैशन लगाया, लेकिन फिर भी जो उनका आखिरी में WWE के अंदर रन था वो उतना ज्यादा बेहतर नहीं जा पाए जितना एक्चुअल में वो सोच रही थी कि वो बेहतर जाने वाला है। वो बताती है मैंने रिटर्न किया, मैंने रोंडा राउजी को चैलेंज किया, मेरा और रोंडा राउजी का मैच होता है एवोल्यूशन पेपर व्यू के अंदर, लेकिन वो मैच उतना ज्यादा बेहतर जा नहीं पाया क्योंकि मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था और उस टाइम मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम चल रहा था क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो गया था जॉन सीना के साथ में और उस चीज से उभरना मेरे लिए काफी बड़ी दिक्कत थी और इसलिए मेरा और रोंडा राउजी का जो फ्यूड है वो काफी ज्यादा बेकार गया और उस लेवल का जा नहीं पाया जितना एक्चुअल में वो लेवल का जाने वाला था। अगर मेरा और जॉन सीना का ब्रेकअप ना हुआ होता तो शायद जो मेरा आखिरी रन WWE के अंदर होता वो और भी ज्यादा बेहतरीन हो पाता। और आखिर में बताते हैं कि शायद अब उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार फिर से उन्हें WWE के अंदर रिटर्न करना चाहिए ताकि एक आखिरी रन यानी कि एक आखिरी बार हमें निकी बेला फिर से रिंग के अंदर कम्पीट करती हुई नजर आए और एक अच्छे नोट के ऊपर वो हमें अपना WWE कैरियर एंड करती हुई नजर आए। तो भाई ये कुछ बातें वो जॉन सीना को लेकर यहाँ पर कहती हैं कि जब उनका जॉन सीना के साथ ब्रेकअप हुआ उनका माइंड काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, यही रीजन था वो रोंडा राउजी के साथ उनके फ्यूड के अंदर ढंग से फोकस कर नहीं पाई, इसलिए उनका फ्यूड ज्यादा बेकार गया, वरना जो एवोल्यूशन के अंदर मैच हुआ था वो 100 गुना उससे ज्यादा बेहतर जा सकता था। इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, जब निकी बेला ने एक तरह का ब्लेम कर दिया जॉन सीना को उनके खराब फ्यूड के लिए। वैसे भाई जॉन सीना ने तो कहा भी नहीं था और जॉन सीना की साइड तो निकी बेला ने सुनी भी नहीं थी ब्रेकअप से पहले और जस्ट उनका ब्रेकअप हो गया, जॉन सीना बेचारे पे क्या
बीत रही होगी। आई थिंक ये जानना किसी ने सोचा नहीं, लेकिन भाई आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है, आप लोग नीचे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दो, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल के ऊपर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल के नॉबे फ्रेश अपडेट जानने को मिलते रहे। वीडियो के अंदर आके मैं आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।